हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी बीएड एग्ज़ाम आज था, आप लोगों को पता है, और आप लोगों का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। और इसी कारणवश अब सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में ये है कि कितने नंबर लाने पे हमको गवर्नमेंट सीट मिल सकती। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि आपको पता है लगभग 5.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था यूपी बीएड 2021 में, और इसमें ज़्यादातर जो अप्लाई करने वालों की संख्या थी, उसमें महिलाओं की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कितने नंबर लाने पे हमारी गवर्नमेंट सीट पक्की हो जाएगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सीट नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि उनको रेगुलर कॉलेज मतलब नहीं जा पाते, उनको कोई कारण रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो वो तो प्राइवेट कॉलेज ही प्रेफर करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके कितने नंबर हो कि आपको सरकारी सीट मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबके बारे में बताएंगे, जो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि यूपी बीएड 2021 की पूरी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होती रहेगी, काउंसलिंग से संबंधित भी और आपके अन्य जानकारी जो भी आएंगे, और रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में भी। अभी तो हम आपको ये बताएंगे कि आपको कितने नंबर लाने पर आपका जो है आराम से गवर्नमेंट सीट आपकी पक्की हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अगर आपने लगभग 130 प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं, कि आपको पता है 200 प्रश्न का पेपर होता है, अगर आपने 130 प्रश्न सही किए हैं, 130 के आसपास है, तो आप 100% आपकी रैंक अच्छी आएगी और आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और अगर, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके आस ही पास गई थी, तो उससे ज़्यादा जाने की तो उम्मीद है ही नहीं। कैंडिडेट की संख्या 1 लाख ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है सभी कैंडिडेट जो हैं वो रिज़ल्ट, क्योंकि ज़्यादातर फाइट आपकी गवर्नमेंट सीट पे होती है, तो सभी एडमिशन तो लेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सभी के एडमिशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट सीट की बात करें, तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं 130 के आसपास, तो आपका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट सीट पे हो सकता है जनरल की। और अगर हम एससी एसटी ओबीसी की बात करें, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, तो आपके अगर 122 के आसपास प्रश्न सही हैं, तो आप अपनी सीट कंफर्म समझिए। और एससी एसटी के 120 प्रश्न अगर सही हैं, तो उनकी सीट कंफर्म समझिए। और ईडब्ल्यूएस के 125 क्वेश्चन सही हैं, तो उनकी सीट कंफर्म हो सकती है, बिल्कुल कंफर्म हो सकती है। आंसर की के बारे में आपको जानकारी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया करिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो यूपी बीएड कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।